हेलो गाइस, वेलकम ऑल। आज मैं विराट आप सबके साथ आ चुका हूँ एक जोलो चिप्स का चैलेंज लेके, जो कि हम अपने घर में ही करने वाले हैं। तो मैं ये जोलो चिप्स मैंने आज मंगवाई थी अमेजोन से, और देखते हैं अब इसको चैलेंज को कौन कौन कंप्लीट कर पाते हैं। हमारे जो दोस्त हैं सभी आ चुके हैं, मेरे भाई आ चुके हैं सभी, तो मैं तो इसको करने वाला हूँ नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इसके काफ़ी सारे वीडियोज़ देख रखे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा डर। तो इन्हीं में से मेरे सारे भाई हैं जो रेडी हैं करने के लिए, और देखते हैं अभी इतने सारे में से मैं तीन के साथ करवाऊंगा इस चैलेंज को, और तीन में से ये कौन कौन है जो इस चैलेंज को करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं मिलवाना चाहता हूँ सदैव से। तो सदैव ये हमारे साथ करेंगे आपके साथ ये जोलो चिप्स का चैलेंज, फर्स्ट कंटेस्टेंट ये है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा पकड़ना एक सेकेंड। तो मैं सदैव से ये पूछना चाहता हूँ कि सदैव आपने क्या कभी मतलब ज़्यादा तीखी मिर्ची कभी खाई है आपने? नहीं, नॉर्मली खाता हूँ, मतलब मैं तीखी वैसे भी नहीं खाता हूँ, और मैंने ये जोलो चिप्स के बारे में सुना है आपसे ही पहली बार। अच्छा, मेरे को पता ही नहीं था पहली बार। तो गाइज आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने पहली बार जोलो चिप्स के बारे में सुना है, वो भी मतलब मैं लेके आया। तो कोई बात नहीं है गाइज, इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। हालांकि ये बंदा ज़्यादा स्पाइसी खाता भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो खाता है लेकिन उतना भी नहीं खाता है। तो अब देखते हैं कि प्लस पॉइंट है, मैं गुटखा वगैरह नहीं खाता हूं। तो चलिए, ये गुटखा वगैरह नहीं खाते हैं तो इनके मुंह में काफ़ी स्टेमिना हो सकता है, जो मतलब स्पाइसी लेवल को कंट्रोल कर सकता है। तो देखते हैं, अब सदैव के बाद हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो हमारे पास आएंगे हम देखते हैं, वो है हमारे साथ गौतम। तो गौतम आप जरा इधर आइए, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या पहले आपने कभी जोलो चिप्स खाई है, या फिर कोई भी तरह की कोई तीखी चीज खाई है? तीखी चीजें तो बहुत खाई है, लेकिन जोलो चिप्स पहली बार ही मैं खाने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको आपको क्या लगता है कि आप जोलो चिप्स खा लोगे? हाँ, लगता तो है, क्योंकि बहुत तीखा खाता हूँ मैं वैसे घर पे भी, और ये सब कुछ चीजों में स्पाइसी पसंद करता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं खा सकता हूँ ये जोलो चिप्स। ओके, दैट्स ग्रेट। तो गाइज इनको मतलब अंदर से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये जोलो चिप्स को हैंडल कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही अच्छी बात है इनके लिए, मतलब सदैव के लिए ये थोड़ा सा मतलब टफ कंटेस्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन दे सकता है, क्योंकि गाइज मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा कि होने क्या वाला है। हमारे थर्ड कंटेस्टेंट है तो भरत शर्मा। तो भरत शर्मा हमारे साथ आ चुके हैं, तो भरत भाई आप हमें बताइए कि आपने कभी क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मुझे तीखा बहुत कम पसंद है, पर मैं ये कर सकता हूँ तीखा। ओके, इनको तीखा बहुत कम पसंद है लेकिन गाइज ये कर सकते हैं चैलेंज। तो गाइज चैलेंज इनके साथ ये है, गाइज देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो तीन कंटेस्टेंट है, ये तीनों पहले मतलब कि कभी ऐसा चैलेंज इन लोगों ने किया नहीं है, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक चिप्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके इनको इक्वली खिलाया जाए। तो गाइज चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप लोग गाइज बस आगे देखते रहिए कि हम क्या कर रहे हैं इनके साथ, और इनके साथ क्या होगा इनको शायद खुद को भी नहीं पता है, लेकिन कोई बात नहीं है, देखते हैं गाइज, स्टे ट्यून्ड। हम यहाँ पर इनको गेम की जो रूल्स है वो बता देते हैं कि कैसे इनको इस गेम को हम मतलब कैरी ऑन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सदैव है, भरत है, हमारे साथ गौरव है। तो मैं गाइज आप दोनों को ये रूल समझा देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या होगा। हम आपको जोलो चिप्स को थ्री पार्ट में डिवाइड करके आप तीनों को देंगे, इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है? और उसके बाद तीनों को वो इक्वल पार्ट खाना है, और जो एंड तक सरवाइव करेगा, हम आपके सामने ललचाने के लिए स्प्राइट रखेंगे एकदम चिल्ड, आपको ललचाने के लिए कि आप पी लो। लेकिन जो पहले पानी की डिमांड कर देगा, या फिर स्प्राइट की डिमांड कर देगा, या फिर कोई भी मीठी चीज़ की डिमांड कर देगा, मतलब वो गिव अप वहीं पर कर जाएगा, और जो एंड तक गिव अप नहीं करेगा वो होगा विनर ऑफ दिस राउंड। तो गाइज आप क्या रेडी है? Yes. तो गाइज इनको समझ में आ चुका है ये कैसे इनको कैरी ऑन करना है, तो इनके सपोर्ट में, चेयर अप में, अब आप किसको किसको आप सपोर्ट में लेना चाहते हैं अपने साथ, जो आपको मोटिवेट कर सके, आपका मनोबल बढ़ा सके, आप उनको स्टेज पे लेके आ सकते हैं। तो इनके सबके सपोर्टर्स आ चुके हैं गाइज, इक्वली आप देख सकते हैं, अब सपोर्ट करने के लिए, अब मुझे लगता है कि सपोर्ट मतलब कि ये भी खाएंगे साथ में। तो क्या कहना आपका, क्या खाओगे आप जो चीज? रेडी? yes. आप खाओगे? yes. तो यार मेरे हिसाब से गौरव तुम्हें नहीं करके इनसे करवाना चाहिए ये वाला चैलेंज। यार ये डेयरिंग देखो, मतलब कसम से मैं बता रहा हूँ, मैंने सोचा था माइंड में, मैंने सोचा था कि शायद मैं ये चैलेंज नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सदैव से कहा, गौरव से कहा, भरत से कहा कि आप लोग कर लो यार, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने मतलब हाँ भर दी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं इसको मतलब एक कंटेंट के तौर पे बनाऊंगा और अपलोड करूंगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप क्या सदैव की जगह आप भी ट्राई कर सकते हो इसको? बिल्कुल ये झूठ बोल रही है गाइज, इनको पता चल गया है, मैं बोल रहा हूँ ना, इनको पता चल गया है कि खाने वाले तो ये है। झूठ नहीं बोलने वाले
ओके चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, दो दिन में हम और एक मंगवा लेंगे तो इनके लिए भी वो चैलेंज सेटअप कर देंगे। तो आप बताओ, मेरे को लगता तो है कि ये, अरे यार इनके सपोर्ट में दो दो है, ये ना इंसाफी है। चलिए कोई बात नहीं गाइस, अब शुरू करते हैं। आपको मैंने बता दिया, और हाँ, और वो स्प्राइट आप लेके आ जाओ, जोलो चिप्स लेकर आ जाओ, हम इसको डिवाइड करेंगे थ्री पार्ट्स में। गाइस इसने बस हल्का सा चाटा, मतलब एकदम हल्का सा चाटा, मतलब ओह माय गॉड, हल्का सा बस उंगली चटाई है भाई को, बस जस्ट उंगली चटाई है गाइस, चेहरा देखो ये पानी। ये पहले बोल रहे थे कि मैं पूरी खाऊंगा और अब देखो खाइयो कैसा लग रहा है, बहुत लग रही है। बस चाटा ही था ना, खाया तो नहीं था ना। ओ भाई मारो मुझे मारो। तो गाइज अब हम यहाँ पर इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि सब रेडी है और अब ये खाने वाले हैं जोलो चिप्स। तो चलिए गाइज हम शुरू करते हैं। तो तीनों कंटेस्टेंट अपने अपने जोलो चिप्स ले ले और खाना शुरू कर दे। यस गाइस, इन्होंने कर दिया है खाना शुरू और अब इनके फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने हाव हाव पहले पंप पानी मांगता है। नहीं नहीं अभी नहीं नहीं, ये बोल रहे हैं गाइस, ये बोल रहे हैं, ये जस्ट बोल रहे हैं कि मतलब नहीं नहीं है, नहीं है, लेकिन आप इनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं। नहीं देखिए आप गाइस, इसके आंखों से लिटरली गाइस आंसू निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं गाइस, लिटरली आंसू निकल रहे हैं। इधर देखो पानी पिलाओ भाई, ये चाहते हैं कि पानी पी लो, मतलब आप देख सकते हैं। अरे पानी पिलाओ, अभी तक मतलब यही पता चल रहा है कि बहुत खतरनाक सिचुएशन हो रही है। पहले तो बोला था कि नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि गाइस चोट लगने के टाइम पता नहीं चलता है और थोड़ी देर बाद दर्द का पता चलता है, तो कुछ नहीं लग रहा अभी तो। पानी पी ले, सदैव बार बार बोल रहा है कि पानी पी ले पानी पी ले, आप समझ सकते हैं मतलब ये चाहता है कि इसका मतलब तुम तो दर्द को समझ सकते हो ना कि कितना दर्द हो रहा है, इसका मतलब तो यही है। पर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, पर जो जो वीडियोस अन्य लोगों को देखते हैं ना उनसे ज्यादा ज्यादा सर्वाइव कर।
कर जाएंगे ये तो पक्का है। इसका आपका कहने का ये मतलब है कि और भी लोग जो है इसका वीडियोस डालते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है, ये वो मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं वो, लेकिन आप उनसे ज्यादा सर्वाइव कर जाओगे। अब तो कर गए ना, गाइस गिव अप तो कोई कर ही नहीं रहा है, ये पिलेगा अब तक गिव अप तो कोई कर, ये भी बोल रहा है मैं गिव अप नहीं करूंगा, मतलब सुनो एक ही नानी के खून है इसलिए शायद तीनों ही नहीं कर पाएंगे, अब हारना तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लगता है ये तीनों विनर होंगे। ये तो तीनों विनर होंगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन तीनों में बराबर बराबर सा ये पावर है, मतलब कि आप देख सकते हैं गाइस ये तीनों बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, दोनों सगे भांजे हैं मेरे। थोड़ा सा इनको दिखाओ, शायद दिखाने पे ये आप अपने आपने जिस हाथ से खाया है उसको फेस पे मत लगाना। ग्लास में डाल लो, इसका मतलब है ग्लास में डाल के लाओ, ग्लास में डाल के लाओ, गौतम का कहना है ग्लास में डाल के लाओ। भरत के सपोर्टर तो कोई है ही नहीं, अगला बाबू आजा, भरत जी सपोर्टर जाओ, मौसी का आजा, बाबू आजा, भले जो जाड़ों में दबा हुआ है ना वो फिर से स्पाइसी लग रहा है। अच्छा जो जाड़ों में दबा हुआ है वो फिर से स्पाइसी लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर हम यही सोच सकते हैं कि ये तीनों विनर है, इन तीनों ने इक्वली सर्वाइव किया है एंड कोई भी गिव अप नहीं करना चाहता, तो गिव अप नहीं करना चाहता इसका मतलब गाइज हम इन्हीं तीनों को ही विनर ठहराएंगे और तीनों को भाई भाई इनको पिलाया जाए, भाई ठंडा पिलाया जाए इनको, भाई इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाए, इनको ठंडा किया जाए अब, और अभी ये कोल्ड ड्रिंक पीने, अरे पियो ये देखो ये अभी भी भरत बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा, पहले तुम पियो, मतलब देखो देखो तीनों एक, अगर गिव अप करना है तो तीनों एक साथ, अदरवाइज मतलब गिव अप नहीं है, मतलब ये तीनों का अगर तीनों चाहते हैं कि तीनों विनर। मैं कुछ बोलना चाहता। अच्छा आप कुछ बोलना चाहते हो? एक्चुअल में ये रियलिटी है, मैंने पहली बार देखा और शायद गौतम ने और हम तीनों ने आज पहली बार देखा ये जोलो चिप्स वगैरह के बारे में, और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो देख के ऐसे ऐसे ट्राई करा था कि भाई होता क्या एक्चुअली, इसके बारे में नॉलेज लेना चाह रहा था, तो देखा तो ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत टफ लग रहा है, मतलब तो चैलेंज लेना हमेशा से मेरे को पसंद है और इनको भी पसंद है, तो फिर मैंने सोचा अभी करते हैं। पिंटू भाई ने कहा कि भाई चलो तैयार है, सब सेटअप करा उन्होंने और अच्छा लगा कि हम तीनों ही सर्वाइव कर पाए, कई जनों को देखा गिव अप कर जाते जल्दी, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम गर्ल्स के साथ शायद हो सकता है मेल की वजह से हम सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट चैलेंज गर्ल्स के साथ होगा, गर्ल्स के साथ होगा, नेक्स्ट चैलेंज गर्ल्स करेंगी और देखते हैं कि वो कितना सरवाइव कर पाती है। ओके गाइस, आप गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन पर ऑल कर दीजिएगा, और गाइस अगली वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करना, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, हल्का फुल्का सा बस, हम नेक्स्ट चैलेंज बस, मुझे लगा कि शायद 9G भी आ जाएगा और ऐसा कुछ लगा मुझे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना आंखों से पानी आया, हल्का थोड़ा बहुत लगा ऐसे, मतलब पर मजा आया, मजा चैलेंज है, चैलेंज तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा वही है कि ब्लड और वही चैलेंज देने की जो हमेशा से आदत है वही, अगली बार मैं भी करूं, सवाई कर पाए मैं भी, बिल्कुल आनंद आया, थैंक यू पिंटू ये आपका सारा सेटअप के लिए, थैंक यू सो मच।